Hey, what's up guys, this is Monu Kumar and welcome to the another video of Tech Advice in Hindi. Guys, कुछ दिनों पहले WhatsApp का नया फीचर आया था जिसमें सेंडर रिसीवर के फ़ोन से भी भेजा हुआ मैसेज डिलीट कर सकता था. लेकिन जब हमारे पास कोई मैसेज आता है और वो हमारे देखने से पहले ही डिलीट हो चुका होता है तो हमारे मन में रहता है कि वो मैसेज क्या था. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप डिलीट हुए मैसेजेस कैसे सीन कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च करना है रिसेंट नोटिफिकेशन. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसे डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सारी परमिशंस को ऑन करना है. ऑन करने के बाद जब आपके पास कोई मैसेज आता है और वो डिलीट हो चुका होता है, देखिए इस तरीके से ये कोई मैसेज आया था और मैंने सीन भी नहीं किया उससे पहले ये डिलीट हो चुका. तो इसे जानने के लिए सबसे पहले मैं रिसेंट नोटिफिकेशन ऐप ओपन करूँगा. ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ रखा है. जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7:06 पे ये मैसेज आया था हाय, और 7:06 पे ही भेजने वाले ने डिलीट कर दिया ये मैसेज. तो इस तरीके से आप कोई भी मैसेज सीन कर सकते हैं सेंडर के डिलीट करने के बाद भी. सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें टेक एडवाइज़ इन हिंदी को. थैंक यू गाइज़.